जैसा कि आप जानते हैं, कल केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने अमृत काल का यह पहला बजट प्रस्तुत किया है। इस देश ने 2022 में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव तक इस 25 वर्ष के कालखंड को अमृत काल के रूप में संबोधित करते हुए अमृत काल की और आजादी के शताब्दी महोत्सव के वर्ष में हम कैसा भारत चाहते हैं उससे पूरे देशवासियों को जोड़ने का आह्वान किया था। और आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को पंच प्रण से जोड़ने की बात की थी। पंच प्रण में एक प्रण विकसित भारत के निर्माण का भी है और अमृत काल का ये पहला बजट उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी समावेशी बजट है जो समाज के प्रत्येक तबके को, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, वंचित, वनवासी समुदाय और समाज का वो प्रत्येक तबका, उन सबको इसमें अवसर देने का कार्य किया है और इन सभी अवसरों को यूनियन बजट में सप्तऋषि के रूप में संबोधित किया गया है। यानी इस तरह से भारत की परिकल्प, भारत ने अपनी पूरी व्यवस्था को मार्गदर्शक के रूप में सप्तऋषियों के रूप में लिया है। वे सप्तऋषि भारत की व्यवस्था के आधार शिल्पी रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में भारत की सनातन परंपराएं पली बढ़ी, आगे वैश्विक मंच पर भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया। ऐसे ही सप्तऋषियों ने भी यही मार्गदर्शन में सारे कार्य हुए थे और सप्तऋषि के रूप में मार्गदर्शन करने के लिए सात महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के, जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी एक समावेशी विकास का मॉडल खड़ा करना, रीचिंग द लास्ट माइल यानी अंत्योदय की परिकल्पना, अंतिम पायदान पर खड़े थे व्यक्ति के लिए भी के लिए शासन की योजनाओं का लाभ देना। आपने देखा होगा कि कोरोना कालखंड में पिछले 3 वर्ष से लगातार 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ अगले 1 वर्ष के लिए और बढ़ाने का कार्य हुआ है। 2 लाख करोड़ रुपए सालाना इस पे खर्च होता है। यह भी इस योजना का एक, इस बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अगर हम 2013-14 की तुलना में भारतीय रेल के बजट को देखें, इसमें 2,40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2013-14 की तुलना में 9 गुना अधिक है। हाईवेज के बारे में देखेंगे तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, वाटरवेज आदि के लिए भी प्रावधान किया गया है और इसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश लेने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे पास है। उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़े पैमाने पे नए हाईवेज के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश ने भेजे हैं और उत्तर प्रदेश इस दिशा में कार्य कर रहा है और पिछले 5 वर्ष के अंदर जितने भी हाईवे, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है,
वह उत्तर प्रदेश के नए प्रसेप्शन को और नए उत्तर प्रदेश के बारे में सबका ध्यान आकर्षित करता है। स्वाभाविक रूप से इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ भी उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक होने जा रहा है। प्रदेश के अंदर सक्षमता को सामने ढाला, अनलिजिंग द पोटेंशियल, यह इसका चौथा भाग है और इसके बारे में उत्तर प्रदेश की अंदर की जो हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। दुनिया के अंदर भारत के बारे में कहा जाता है, पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रही है और देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के लिए संभावनाएं हैं। एक ग्रीन ग्रोथ, यानी कैसे हम हरित विकास की ओर जा सके, कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करके हम डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल दें जो लोगों के सतत और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सके। उस प्रकार के मॉडल को, चाहे वो एनर्जी के क्षेत्र में आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी का हो, हाइड्रोजन एनर्जी का हो, या फिर खेती किसानी के क्षेत्र में आप देखेंगे तो विषमुक्त खेती के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्यक्रम, या भारत की प्राचीन उस पद्धति को जो आज 2023 का वर्ष मिलेट ईयर के रूप में भी घोषित हुआ है उस रूप में विकसित करने के लिए उसका भी प्रावधान बजट में किया गया है। यूथ पावर, उत्तर प्रदेश की देश दुनिया के अंदर अगर सर्वाधिक यूथ भारत के अंदर है तो भारत के अंदर सबसे अधिक यूथ उत्तर प्रदेश के अंदर है। उस युवा के विकास के लिए, उसके कौशल विकास के लिए, उसे आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए, उसे तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास होने हैं इस दिशा में, और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर में जो कुछ भी अन्य नए प्रयास होने हैं, हुए हैं, उन सभी 5-7 फोकस बिंदुओं को सप्तऋषि के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में रख करके यूनियन बजट को कल केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने देश की संसद में रखा है। स्वाभाविक रूप से यह यूनियन बजट एक विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करता है जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तब हर भारतवासी गौरव के साथ कह सकता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित भारत का नागरिक हूं। दुनिया के सामने भारत की जो पहचान थी उस रूप में वह अपने आप को कह सकता है। और इसलिए इस पूरे बजट के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगले 25 वर्ष का विजन इस पूरे बजट में छुपा हुआ है। दूसरा, ईज ऑफ लिविंग को और आसान बनाना, इस दिशा में भी अच्छे प्रयास हुए, इस पर जोर देने का कार्य हुआ है। बजट में भारत की आर्थिक विकास दर को 7% तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कार्य करना, आज के दिन पर भारत की विकास दर दुनिया के अंदर बड़े देशों में सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है। विगत अगर हम लोग 9 वर्षों की इस गति को देखें तो भारत के अंदर पर कैपिटा इनकम दुगने से अधिक हुई है। भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है और यूनियन बजट में इन सभी बातों को ध्यान में रख करके कार्य किया गया है। अंत्योदय के लक्ष्य को ध्यान में रख करके गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ देश के अंदर अगर 80 करोड़ लोग ले रहे हैं तो
उसका भी सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। इसमें 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना के साथ जुड़े हुए हैं।